नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Google फोटोज पे अपनी गैलरी का फोटो का कैसे बैकअप लें। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि हम अपने कैमरे से कोई भी फोटो क्लिक करें और उसका बैकअप ऑटो Google फोटोज पे हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके फोन में जो भी फोल्डर है, अलग अलग फोल्डर है, उन सभी का बैकअप Google फोटोज पे हो जाए? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, गूगल फोटोज पे अपने फोटो को बैकअप लेने के लिए ओपन करते हैं यहाँ पे फोटोज नाम की ऐप को। दोस्तों, यहाँ से गूगल फोटोज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपकी गैलरी की फोटो सारी दिखती है। अगर आप अपने फोटो की एक एक करके बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस फोटोज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और इसका अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस आइकॉन पे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर देने से ये फोटो आपकी गूगल फोटोज पे बैकअप के रूप में ऐड हो जाती है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपकी फोन की सारी फोटो का बैकअप हो, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपकी फोन की जो फोल्डर है उस पार्टिकुलर फोल्डर को हम सिलेक्ट करें, सिर्फ उसी का बैकअप हो, तो उसको जानने के लिए यहाँ से हम आते हैं बैक, और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम अपने लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आ जाने के बाद यहाँ पे आपकी फोन की फोल्डर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ये कैमरा वाला फोल्डर है। इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप इमेज का ये फोल्डर है, मैं स्नैपट्यूब से जो वीडियो डाउनलोड किया हूँ उसका ये फोल्डर है, और उसके बाद ये डाउनलोड का फोल्डर है। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली किसी एक फोल्डर का बैकअप हो तो यहाँ पे आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इस डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस फोल्डर की सारी फोटो को बैकअप लेने के लिए आप इन सभी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखलाई दे रहा होगा तीन लाइन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैकअप नाउ। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बैकअप नाउ पे, और यहाँ से फिर ये सारी फोटो आपकी गूगल फोटोज पे बैकअप होने लगती है। दोस्तों, आपको एक और तरीका बताऊंगा, वो तरीका सबसे हटके है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से हम आते हैं बैक, और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं बैकअप इज ऑफ, तो आप अपने फोटोज की बैकअप बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा टर्न ऑन बैकअप। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपकी ये ईमेल आईडी होती है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके इसे बदल भी सकते हैं। अगर आप इसी ईमेल आईडी पे बैकअप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा टर्न ऑन बैकअप, और इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है फोटो का क्वालिटी। आप अपने फोटो का बैकअप ओरिजिनल क्वालिटी में लेना चाहते हैं या फिर हाई क्वालिटी में लेना चाहते हैं। आप लो क्वालिटी में अगर अपनी फोटो का बैकअप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, लो क्वालिटी का बैकअप बनाने से एक फायदा होता है कि हमारे फोन की डाटा काफी बच जाती है, ज्यादा डाटा नहीं खर्च होती है। आप यहां पे अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाटा 5 MB, 10 MB और 30 MB। इसके बाद यहां पे है एक अनलिमिटेड, तो यहां पे आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा कि आप अपने फोन की डाटा को एक दिन में कितना खर्च कराना चाहते हैं जब आपकी फोटो का बैकअप ले। तो मैं यहाँ पे पहले से सेट करके रखा हूँ 10 MB। मेरे फोन की फोटो की जब बैकअप बनेगी और 10 MB खर्च हो जाने के बाद वहीं पे रुक जाएगी, फिर अगले दिन उस फोटो की बैकअप होगी। तो आप अपने अनुसार से यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कन्फर्म। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं 413 आइटम लेफ्ट टू बैकअप, मतलब कि मेरा अभी 413 फोटो है जो बैकअप अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस 413 फोटो में मेरा स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप इमेज और फिर गैलरी का इमेज है, ये सभी फोटो बैकअप होंगे। मगर आप चाहते हैं कि ये सभी फोटो बैकअप ना हो, केवल मेरे गैलरी का फोटो बैकअप ले या फिर मेरे व्हाट्सएप का ही इमेज बैकअप ले, तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा मोबाइल डाटा लिमिट रिच पे, और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बैकअप सेटिंग। तो दोस्तों, बैकअप सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं बैकअप अप डिवाइस फोल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ से आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना होगा जिस फोल्डर का आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड वाला का बैकअप लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पे,
आप अपने अनुसार से सेट कर लीजिएगा कि आप किस फोल्डर का बैकअप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गूगल फोटो पे फाइल वाइज बैकअप सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।